नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चौधरी कंपटीशन क्लासेस पर। हम आज अपने जीके का चौथा पार्ट लेके आए हैं, जो कि हम लगातार आपको जीके प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि रेलवे के लिए आने वाली अगली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आज हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डीएनएस का संक्षिप्त रूप क्या है? तो डीएनएस का संक्षिप्त रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी का वाव किस स्थान पर है? तो यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी का वाव गुजरात के पाटन नामक स्थान पर स्थित है। यह विश्व की इकलौती ऐसी बावड़ी है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अच्छा, बावड़ी का मतलब क्या होता है? बावड़ी का मतलब होता है कुएं में उतरने के लिए सीढ़ी होना। तो इससे पता चलता है कि हमारे प्राचीन भारत में जल प्रबंधन को लेकर एक संयोजित व्यवस्था थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मानित रेलवे स्टेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान 2014-15 के लिए किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो यह दिया गया है सवाई माधोपुर को। यह राजस्थान में स्थित है और यह भारत का पहला रेल हेरिटेज रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। अच्छा, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी सभ्यता पर सबसे पहले कांस का उपयोग किया गया था। अच्छा, इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वह होता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 खंड 1 के अनुसार जो भारत की संघ कार्यपालिका की जो प्रमुख शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इकाई में से कौन सी इकाई कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है? तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है 1 किलोबाइट। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। इसकी औसत स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कहीं कहीं तो इसकी स्पीड इतनी धीमी होती है कि यात्री चलती हुई ट्रेन पर आसानी से चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल 2020 का मेजबान देश कौन सा है? जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2020 का जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं वह जापान के टोक्यो में होने वाले हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन का 32वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंपाइलर नहीं है। अच्छा, हार्डवेयर होते क्या हैं? जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 65 वर्ष होती है। अच्छा, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कितनी होती है? उनकी 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दमन तथा दीव की राजधानी है? तो दमन दीव की जो राजधानी पड़ती है वह है दमन। दमन दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसने इसरो के चेयरमैन पद का 14 जनवरी 2015 को कार्यभार संभाला? तो इसरो का जो चेयरमैन का कार्यभार संभाला है वह संभाला है
श्री जी एस किरण कुमार ने। अच्छा, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी अयंगर। अच्छा, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 1969 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई एक भारतीय स्वतंत्रता से सेनानी थी जिनका जन्म 1835 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तथा माता का नाम भागीरथ था, जो कि सन 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो वह मेल बताना है जो सही नहीं है। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो पहला जो ए है दिया गया है बिल्कुल सही है। बी जीतू रॉय शूटिंग, तो जो जीतू रॉय हैं वह शूटिंग से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हॉकी, तो साक्षी मलिक हॉकी से संबंधित नहीं है। यह एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने सन 2016 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में कांस्य पदक जीता था, जो कि भारत की तरफ से ओलंपिक में पहलवानी में पहला पदक जीतने वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो आण्विक सूत्र होता है C6H12O6, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य के हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो जो थार मरुस्थल है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण कोई वस्तु सुचालक होती है? तो वस्तु जो सुचालक होती है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है द लाइफ ट्री, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिन गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो मेरिन गोंडवाना जो पार्क है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस प्रकार इसका आंसर ये हुआ, जो मेरिन गोंडवाना जीवाश्म पार्क है उसका जिसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म और जो प्रजाति विलुप्त तो होती जा रही है उनको संरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी किसकी हत्या के जुर्म में दी गई थी? तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वह सांडर्स की हत्या के जुर्म में दी गई थी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके जुर्म में इन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता अम्बानी भारत की वह प्रथम महिला है जिन्होंने तो नीता अम्बानी भारत की वह प्रथम महिला है जिन्होंने ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण की है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का जो नारा था वह था जंगलों की ओर रुख। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अच्छा, 2019 की थीम क्या है? तो 2019 की थीम है एयर पॉल्यूशन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, 2018 की थीम क्या थी? तो 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो 2019 की हमको याद होनी चाहिए, 2019 की थीम है एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की जो घटना कहलाती है वह अपवर्तन कहलाता है। अच्छा, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है
जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन पर हम आने वाली क्लासेस पर चर्चा करेंगे, जो कि फिजिक्स का एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2016 में किस स्थान को भारत की 49वें भाग संरक्षण क्षेत्र के रूप में चुना गया है? तो 2016 में जो 49वां भाग संरक्षण क्षेत्र चुना गया है वह है ऑरेंज टाइगर रिजर्व, जो कि असम राज्य में स्थित है। असम की जो राजधानी पड़ती है वह दिसपुर है, और जो वर्तमान में वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वह हैं सर्वानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ, अर्थात भूकंप लेखी के द्वारा। तो इसका इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। अच्छा, वोल्ट मीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टेज को नापने में किया जाता है, और फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को नापने में किया जाता है। अच्छा, बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब को मापने में किया जाता है। तो यही थे वो आज के 25 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी द्वारा पूछे भी गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़, यू हैव ए नाइस डे। थैंक्स एंड अगेन, नमस्ते।